स्वागत है। सुरुकड़ी आय जनकपुरक जानकी वृद्धा आश्रम में विभिन्न खाद्यान्न सामग्री वितरण कैल गेल संबंधी प्रसंग से माछा पुच्छ बैंक जनकपुर शाखा आय जनकपुर के जानकी वृद्धा आश्रम में विभिन्न खाद्यान्न सामग्री वितरण कलक है। बैंक से जनकपुरक रामानंद चौक में अवस्थित जानकी वृद्धा आश्रम में प्रमुख जिला अधिकारी दिलीप कुमार चापागाई के प्रमुख आतिथ्य में उक्त सामग्री सब वितरण केने अछि। आश्रम के 3 महीना के लेल पहुँचे वाला खाद्यान्न सामग्री सब वितरण कैल गेल बैंक जनौलक अछि। वितरण कैल गेल खाद्यान्न सामग्री सब में आटा 50 किलो, चिवड़ा 25 किलो, चीनी 20 किलो, दालि 20 किलो, खाने तेल 20 लीटर सहित चना, भुजा, दाल मोट, मसाला, नून, चाउ चाउ, बिस्कुट, गैस आ चाय पत्ती रहल अछि। साथे आगामी दिन सब में सेहो अही प्रकारक सामाजिक कार्य सब करैत रहत बैंक जनौलक अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड विज्ञान से मात्र विकास के सुनिश्चित करत बतौलन अछि। गणित आ विज्ञान के जनता के आकांक्षा आ समृद्धि संग जोड़ पड़बाक प्रधानमंत्री के कहब छल। शनि दिन गणित विषय में विशेषज्ञता हासिल केने गणितज्ञ सभक टोली प्रधानमंत्री प्रचंड संग भेंट क गणित शिक्षा के सरकारी प्राथमिकता में राख आग्रह केने अछि। प्राध्यापक डॉक्टर राममान श्रेष्ठक नेतृत्व में प्रधानमंत्री के भेंट पहुँचल विज्ञ सभक टोली देश भर के गणितज्ञ सबके अभिनंदन कर के तैयारी केने अछि। टोली में नेपाल गणित केंद्र, नेपाल गणित समाज, गणित शिक्षा परिषद आ गणित शिक्षा महिला समाजक प्रतिनिधि सब सहभागी छला। गणित शिक्षा में 50 वर्ष अनवरत सेवा केने आ 75 वर्ष उमेर पार केने गणित शिक्षक आ अन्वेषक सबके सम्मान करय वाला से संस्था के योजना रहल टोली जानकारी कराने छल। वीरगंज उपमहानगर पालिका कार्यालय वीरगंजक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णु प्रसाद कोइराला ऊपर कार्यकक्ष में हाथपात भेल अछि। हुनका अपने कार्यालय कार्यालयक प्रशासन शाखा प्रमुख एवं प्रशासकीय अधिकृत रामदयाल यादव हाथपात केने अछि। कार्यालय करार में रखने कर्मचारी सभक करार के म्याद तथा तलब के विषय कड़ा रूप लेने बाद प्रशासकीय प्रमुख यादव कार्यकारी प्रमुख ऊपर मुक्का प्रहार केने छल। शुरू में प्रशासकीय अधिकृत के कार्यकक्ष में करार के चालक सब आ हुनक सभक बीच के आपसी विवाद से हाथपात के अवस्था सृजना भेल बाद ओही झोंक में प्रशासकीय अधिकृत यादव सेहो अपशब्दे बजैत 81 मुक्का प्रहार केने छल। जनकपुर भिट्टामोड़ सड़क खंड के यातायात आइ ठप पड़ल अछि। जनकपुर भिट्टामोड़ सड़क खंड 6 लेन के बनाब पड़त मांग करैत धनसा आ महतरी के संयुक्त संघर्ष समिति पूर्व निर्धारित कार्यक्रम बमोजिम जनकपुर के बेला पुल में चक्का जाम केने अछि। भदौ 5 आ 26 गते 2 दिन भोर 7 बजे से साँझ 5 बजे धरि चक्का जाम करत समिति जनौलक अछि। टायर बाइल क बाट अवरुद्ध करैत चक्का जाम केने अछि। काल शुक्र दिन मात्र भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मंत्री रमेश लेखक के 4 लेन के बाट बनाब कहिक शिलान्यास केने भेल बाद 6 लेन के बाट बनाब पड़त कहैत समिति आंदोलित भेल अछि। 6 लेन के सड़क नै बना क सरकार विभेद केने कहैत 6 लेन के सड़क नै बनल धरि आंदोलन जारी राखत समिति जनौलक अछि। विशेष करके खास करके ई जे है से 6 लेन के लागी 4 लेन के 24 गते या शिलान्यासो भ गेल, लेकिन एहिमे जे हमरा सबके अल्टीमेटम सीडीओ मार्फत जे सरकार के देल है ओहिमे जे है से टोटल जानकारी करायल है कि रास्ता के साथ में कोनो तरह के विभेद नहीं हुए और हमरा सबके ये 6 लेन करे के प्रतिबद्धता साथ जे है से अहाँ के आंदोलन जारी है। आ ई आंदोलन अभी तक जे है से आइ काल्हि चक्का जाम रहते, तेकरा बाद जे है से मानव सांगलो है, तैके बाद जे है से पिपरा में के मध्य में जे है से अहाँ के आमरण अनशन के कार्यक्रम राखल है। ये सब हमरा सबके 6 लेन जब तक घोषणा नहीं होइ छे तब तक जे है से एहना चलित रहते। धन्यवाद। बंदक कारण जनकपुर से भिट्टामोड़ आ भिट्टामोड़ से जनकपुर दिस आवे वाला सवारी साधन सब वापस आयल यात्रु सब के समस्या भेल अछि। आब इंटरनेशनल न्यूज।
सीरिया में चल रहल द्वंद्व समाधानक लेल एकीकृत प्रयास कर अमेरिका आ रूस सहमत भेल आबवला सोम दिन सूर्यास्त संगे सीरिया के विषय के ल क दू देश बीच उत्पन्न भेल शत्रुता अंत्य कर दू देश सहमत भेल सोम दिन से सीरिया में विद्रोही विरुद्ध एकीकृत कार्यवाही अभियान चलाब दू देश सहमत भेल अहिना सीरिया सरकार के विपक्षी के नियंत्रण में रहल क्षेत्र में सैन्य कार्यवाही रोक आग्रह करत अमेरिकी विदेश मंत्री जोन किरिक अनुसार ओही के लेल अमेरिका संयुक्त केंद्र स्थापना करत आ ओही केंद्र मार्फत इस्लामिक स्टेट आईएस तथा अल नुसरा विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही अभियान चलाओत जेनेवा में जोन केरी आ रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोविच भेल छलफल बाद दू देश सीरिया मुद्दा में एक भक लागत घोषणा केने रॉयटर्स जनौलक मुदा अ के लेल सीरिया सरकार आ विपक्षी दुनू के सहयोग कर पड़त अमेरिकी विदेश मंत्री केरी बतौलन रूसक विदेश मंत्री लाव्रोव सहमतिक संबंध में सीरिया सरकार के जानकारी करौने आ ओ गंभीरता देखौने बतौलन अखन सीरियाली विपक्षी के अमेरिका सैन्य सहित के सहयोग करत आयल त रूस राष्ट्रपति बशर अल असद पक्ष के सहयोग करत आयल जै के कारण अमेरिका आ रूस बीच तनाव बढ़ल सीरिया के लेल संयुक्त राष्ट्र संघक विशेष दूत स्टेफन डी मिस्टुरा सहमति के स्वागत कलन राष्ट्र संघ आवश्यक पड़ल क्षेत्र में सब प्रकारक मानवीय सहायता करय वाला विशेष दूत मिस्टुरा बतौलन यमन में भोकमरी एकदमे बढ़त गेल 16 महीना से ध्वंदक कारण 1,40,00,000 से बेसी व्यक्ति भोकमरी के चपेटा में पड़ल संयुक्त राष्ट्र संघ जनौलक यमन में सन 2015 के मार्च से शुरू भेल ध्वंदक कारण 9,000 से बेसी व्यक्ति के मृत्यु भेल 28,00,000 व्यक्ति विस्थापित भेल यमन में सऊदी अरेबिया विद्रोही विरुद्ध हवाई आक्रमण करत आयल 5 वर्ष नीचा के लगभग 5,00,000 बाल बालिका कुपोषण के चपेटा में पड़ल 3,70,000 से बेसी बाल बालिका में गंभीर कुपोषण कुपोषण के मार में पड़ल बाल बालिका के तौल एकदमे कम सबक शरीर में छाला आ हड्डी मात्र रहल जका देखात बेसी बाल बालिका के शरीर में कंकाल मात्र बाकी रहल जका देखात समाचार संस्था रॉयटर्स विभिन्न समय में खींचल कुपोषण ग्रस्त बाल बालिका के तस्वीर में यमन के डर लागल कथा प्रस्तुत कीने अपन न्यूज एखन के लेल एतबे पल पल खबर तेज नजर देखते रहब अपन टीवी नमस्कार।